हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बॉलीवुड से बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, मैं बात कर रही हूं गदर 2 से जुड़ी हुई, क्योंकि गदर 2 ने करवा दी है अब सौतेले भाई बहनों में दोस्ती। जी हां, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं और अपनी वीडियोस में दिखा भी चुकी हूं कि अब सानी देओल का ईशा देओल आहना देओल के साथ हो गया है पैचअप। तभी तो कल रखी गई थी ईशा देओल के घर में गदर 2 की स्क्रीनिंग, जहां पर चारों भाई बहनों ने तमाम गिले शिकवे भुलाकर अब एक दूसरे के साथ मिला लिया है हाथ। और अब ऐसा लग रहा है कि ये नज़ारा देखकर धर्म पाजी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धर्मेंद्र की, जो कि बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा अब अपने आप को कंप्लीट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो सपना था वो कहीं ना कहीं अधूरा था कि उनके जो बच्चे हैं वो एक हो जाएं। और अब फाइनली वो घड़ी आ गई है और ये सब हुआ है गदर 2 की वजह से। हम सब जानते हैं कि गदर फिल्म आई थी साल 2001 में और अब ठीक 22 सालों बाद सनी देओल गदर 2 लेकर आए हैं। एक बार फिर से वो तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी को सिल्वर स्क्रीन पर इतनी खूबसूरती से दिखाते नजर आए कि फैंस भाई खुशी से झूमने लगे। और सोने पे सुहागे वाली बात है कि अब चारों बच्चों ने भी एक दूसरे से दोस्ती कर ली है, जो भी गिले शिकवे थे वो भूल गए हैं। तभी तो पहली बार मीडिया के सामने धर्मेंद्र के चार बच्चों को साथ में देखा गया है, जिसमें सनी, बॉबी, ईशा और आहना शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईशा देओल ने अपने बड़े भाई सनी देओल के लिए, जो कि सौतेले भाई हैं उनके, उसके लिए भी गदर 2 की स्क्रीनिंग को स्पेशली अपने घर पर रखा। और अब से कुछ ही देर पहले धर्मेंद्र ने इस वीडियो को, जो ये फैन पेज द्वारा वीडियो शेयर किया गया है, इस वीडियो को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है। और इस बात से ये बात साफ जाहिर हो गई है कि धर्मेंद्र अब चैन की नींद सो सकेंगे, खुशी के पल जी रहे होंगे, क्योंकि जो उन्हें हमेशा से मलाल रहता था कि उनके बच्चे आपस में बात नहीं करते हैं, उनके बच्चे एक नहीं हैं, बहुत सारे गिले शिकवे हैं, अब वो तमाम जो शिकायतें हैं धर्मेंद्र की वो दूर हो गई हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। और इसी तरह से उनका आखिरी सपना भी पूरा हो गया है। इस वीडियो में इतना ही।